हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कि फोन पे में अकाउंट कैसे बनाए, फोन पे का केवाईसी कैसे करें, फोन पे में बैंक कैसे ऐड करें, फोन पे का वॉलेट कैसे एक्टिवेट करें। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, हमारे चैनल के साथ में जुड़िए। दोस्तों, हम इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो हर दिन लाते हैं आप सभी के लिए। सो लेट्स आरंभ। आप प्ले स्टोर पर आएंगे, यहां से फोन पे ऐप डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों, फोन पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूं, आपको दिखाता हूं। इंस्टॉल करते हुए पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा, आप वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, इंस्टॉल हो गया है, अब हम इसे ओपन करेंगे। इस प्रकार का अनोखा इंटरफेस आप सभी के सामने आएगा। जिस नंबर पर आप फोन पे अकाउंट बनाना चाहते हैं वो नंबर यहां पर डाल दीजिए, और कोशिश कीजिए कि वो नंबर डालिए जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक हो। नंबर डालने के बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, इसे अलाउ करेंगे। ये हमारे नंबर पर OTP भेज के यहाँ ऑटोमेटिक ले लेगा कुछ इस तरह से। वापस इसे अलाउ करेंगे, इसे भी अलाउ करेंगे, इसे भी अलाउ करेंगे। दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस आ गया है, ये बोल रहा है बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए, ताकि हम पैसे भेज सके और पैसे ले सके, पेमेंट भेज सके, पेमेंट ले सके। देखिए, यहाँ हेडिंग दे रहा है ऐड योर बैंक टू स्टार्ट सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी। देखिए, तो यहाँ ऐड बैंक पर हम क्लिक करेंगे, आपका जो बैंक है इसमें से चूज कर लेंगे। मेरा जो बैंक है, बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया मैंने सर्च किया, ये फर्स्ट पे बैंक ऑफ इंडिया है। तो आपका जो भी सिम कार्ड मोबाइल के अंदर होगा, एक नंबर में, दो नंबर में, जो आपका बैंक के साथ में अटैच है, उस पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। ये बैंक को मैसेज भेजकर ऑटोमेटिक सब काम कर लेगा। देखते हैं इस तरह से करता है ये, इसे बैक नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक सब काम कर लेगा। अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है दोस्तों, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। ये देखिए, बैंक का डिटेल से फेस कर रहा है, निकाल रहा है, यहाँ बता रहा है। ये देखिए दोस्तों, मेरा अकाउंट सक्सेसफुली एडेड, अकाउंट एडेड सक्सेसफुली। देखिए यहाँ बैंक का ब्रांच, IFC कोड, टाइप सेविंग है क्या है, यहाँ बता रहा है कि आपका पिन ऑलरेडी बना है। बिल्कुल सही है, मेरा पिन ऑलरेडी बना है, मैं उसे गूगल पे भी यूज़ करता हूँ, पेटीएम पे यूज़ करता हूँ, मुझे वापस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ही मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ ताकि मुझे बाद में काम आए। अब हम डन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। ये बोल रहा है कि आप अपने फ़ोन में फ़ोन पे अकाउंट को ओपन करते वक्त ये कुछ लॉक लगाना चाहते हो, लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज आप इसे नीचे लिखा है डू इट लेटर, बाद में करें। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, लोगों पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे नाम आ गया है, यहाँ पे बोल रहा है ईमेल वेरीफाई करने के लिए, तो हम ईमेल वेरीफाई हमारे एक ईमेल पे कोड आएगा, हम उसे वेरीफाई यहाँ पर कोड डाल के कर लेंगे।
देखिए यहाँ पर आया हुआ है, एट वन थ्री नाइन फोर, 81394 कंफर्म कर लेंगे। ईमेल वेरीफाई हो गया है, यहाँ ब्लू टिक आ गया है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों बहुत लोग को केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मेरे केस में केवाईसी की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी शायद केवाईसी था, इसलिए केवाईसी नहीं मांग रहा है। देखिए आप किसी को पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ से एक अपना ये आपका जो कोड है स्कैनर कोड, सामने वाले को व्हाट्सएप पे शेयर कर लो, ऐसे डाउनलोड कर लो। किसी को पेमेंट लेना है तो आप सीधे सीधे इसे स्कैन करवा के पेमेंट ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों आप ऊपर देख रहे होंगे तो यहाँ मेरा बैंक अकाउंट एडिट पे ब्लू टिक आ रहा है, वॉलेट एक्टिवेट पे ब्लू टिक आ रहा है, और यहाँ पर कार्ड ऐड करने के लिए आप अपना एटीएम कार्ड जो होता है ना, वो उसका नंबर डाल के, एक्सपायरी डाल के और सीवी डाल के ऐड कर लेंगे, वो हो जाएगा। उसके बाद आपको फ़ोटो यहाँ से ऐड करना है इसके ऊपर, तो आप गैलरी से फ़ोटो डाल के यहाँ पे करेंगे, वो भी आपका काम हो जाएगा। और अभी आपको पैसा भेजना है तो किसी के मोबाइल नंबर से भेजना है तो आप यहाँ से भेज सकते हो, सामने वाले का नंबर यहाँ पर डाल के सर्च करके 9892829334, ये मेरा ही नंबर है इसलिए मेरा बता रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हो पेमेंट भेजने के लिए, सेंड मनी के लिए। और किसी अकाउंट में डालना है तो यहाँ से उसका अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, कंफर्म अकाउंट करेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, कंफर्म करके पेमेंट भेज देंगे। अब खुद को आपके पास दो तीन अकाउंट है, खुद में खुद का ट्रांसफ़र करना है तो पहले अपना अकाउंट यहाँ पे ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद से आप खुद में खुद का ट्रांसफ़र कर सकते हो दोस्तों। यहाँ से देखो कोड डायरेक्ट स्कैन करके आप पेमेंट ले सकते हो, किसी को दे सकते हो, डायरेक्ट दे सकते हो यहाँ से। बहुत इजी है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप रिचार्ज बिल, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड बिल, पोस्टपेड, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस, लोन पेमेंट, बहुत सारे तरीके से पेमेंट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस में दिए हैं, लेकिन थोड़ा बच के रहना, आजकल फ़ोन पे पर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, थोड़ा बच के रहिएगा। देखिए यहाँ बता रहे माय मनी, आप माय मनी में आएंगे तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट मिलेगा, चाहिए तो आप यहाँ से बैंक अकाउंट और भी ऐड कर सकते हो, जितना ऐड करना चाहते हो। सीधा बैंक यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, वो आपका नंबर अगर बैंक में ऐड रहेगा तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा, नहीं रहेगा तो ऐसा बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो बैंक अकाउंट करना ऐड करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पे जो कोड है आप डालेंगे और बैलेंस तुरंत बता देगा। देखिए बता रहा है मेरा बैलेंस कितना है, सही बता रहा है, इतना ही बैलेंस है। तो इस तरीके से आप फ़ोन पे यूज़ कीजिए, मज़ा कीजिए, आनंद कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आप सभी का शुक्रिया।